वैसे तुझे कुछ ये बहुत डर रही थी। हाँ, पहले वैक्सीन से पहले। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू व्लॉग में स्वागत है आप लोग का। और आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लेने के लिए। फाइनली टाइम है 2 PM का टाइम कुछ दिया, तो वहाँ पे जाना है और सिटी में साउथ बैंक में जाना है वैक्सीन लेने के लिए। तो हम लोगों ने बुक किया था 1 मंथ पहले और आज जाके डेट मिली है, तो अभी चलते हैं। ये कहाँ पे ओए चल लो कर। एक्चुअली हिमांशु मेरे से बात नहीं कर रही क्योंकि हम लोग का छोटा सा झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो अभी आएगी तो बाद में बात करता हूँ। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम एज़ यूजल ईगल जंक्शन स्टेशन और कार रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अगेन वहाँ पे पार्किंग का इशू होगा। मतलब आई डोंट नो, सिटी में तो थोड़ा सा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए कार यहाँ पे रखेंगे और स्टेशन के बाजू में थोड़ा चलेंगे भी। मूड का है, खराब है, लोग जो वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं वो है फाइजर वैक्सीन यहाँ पे, और एक वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका, ऐसा कुछ नेम है उसका। मैंने जितने रिव्यूज वगैरह पढ़े थे तो एस्ट्राजेनेका के थोड़े साइड इफेक्ट्स है, तो फाइजर अवेलेबल थी। तो अभी हम लोग 1 मंथ पहले हम लोग ने बुक की थी और हम लोग को आज की डेट मिली है। चलो अभी देखते हैं, होपफुली मतलब मैं ये उप कर रहा हूँ कि कुछ साइड इफेक्ट ना हो या फिर हेल्थ वगैरह कुछ इशू ना हो। यहाँ से हम लोग को जाना है साउथ बैंक स्टेशन, जो सिटी से 1-2 स्टेशन आ गई है, मतलब सिटी में ही एग्जैक्टली। और वहाँ पे एग्जीबिशन हॉल है 4, वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन। वैसे यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स है, हमारे नियरेस्ट यही था। एक्चुअली और भी थे बट वो मैप पे मतलब जब भी बुक किया तो वही बता रहा था, बाद में बात करता हूँ। साउथ ब्रिस्बेन पहुंच गए, अभी यहाँ से वो साइड है मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ये है परफॉर्मिंग एंड आर्ट सेंटर। 10 मिनट्स में अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट मतलब 10 मिनट्स बाकी है अभी वहाँ पे, तो पहुँच ही जाएंगे 5 मिनट के अंदर। इकड़ू निकलू अभी कार लेता ना तो थोड़ा वही इशू होता कि पार्किंग का, क्योंकि फिर पार्किंग में ढूंढना पड़ता है तुमको कहाँ पर मिलता है सिटी में, और फिर तुम कहाँ पर भी पार्क नहीं कर सकते। अगर तुमने कहाँ पर पार्क कर दी, रिजर्व पार्किंग, वो देख वहाँ पर लिखा है स्टेशन स्टाफ ऑनली। अरे बट ट्रेन इज़ गुड ऑप्शन ना। सो आई थिंक यही है वैक्सीनेशन सेंटर, क्योंकि इतनी बड़ी क्यू है तो इसका मतलब यही होगा। अब पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, आई थिंक यही होगा ना। ऑल दो जो अपॉइंटमेंट था हम लोग का वो 2 PM का था, बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी क्यू थी और ऑलमोस्ट हमको 15-20 मिनट्स हो गए थे ये क्यू में। और यहाँ पे फोटो वेरिफिकेशन कर रहे थे, डिटेल्स वगैरह कंफर्म क्रॉस चेक करके कि आपका अपॉइंटमेंट है कि नहीं। एंड देन हम दोनों का भी फर्स्ट डोज था, तो हिमांशु वॉज बिट नर्वस, उसको थोड़ा टेंशन आ रहा था कि ज़्यादा पेन होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी मैडम। और फाइनली जाके उसका फर्स्ट डोज हुआ और यहाँ पे ऐसे ऐसे उसने मूव बनाया है, आप देख रहे हो वीडियो में। और उसने वही बोला कि ज़्यादा पेन नहीं होगा, बट स्टिल शी वॉज बिट नर्वस। इसके बाद तुम्हारे भाई का नंबर आया, ऑफकोर्स मैं इतना ज़्यादा कुछ टेंशन वगैरह में नहीं था कि दे दो डोज, फाइनली डोज हो जाएंगे तो हम प्रोबेबली इंटरस्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे उसने बोला था कि आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, प्रोबेबली अगर आपको पेन होगा तो डोज लेने के बाद इवनिंग को या फिर आप नेक्स्ट दिन हो सकता है। और यहाँ पे उसने बहुत ही स्मूथली डोज दे भी दिया और ज़्यादा कुछ पेन हुआ भी नहीं यूजुअली। एंड फाइनली फर्स्ट डोज ऑफ फाइजर वैक्सीन इज डन। और यहाँ पे ये 50 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन एरिया था जहाँ पे वो लोग चेक कर रहे थे कि अगर किसी को साइड इफेक्ट्स वगैरह होता है तो वहाँ पे 15 मिनट्स तक कंपलसरी सबको रख रहे थे। तो यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए, तो यहाँ पे मैं टाइम पास कर रहा था एंड देन इसके बाद हम लोग बाहर निकले। जस्ट वैक्सीनेशन हम लोग का हो गया और वैक्सीन लगाने के बाद 15 मिनट्स तक अंदर रखा था ऑब्जर्वेशन के लिए कि कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं ऐसा। हाँ तो वैसा, तो इसलिए अभी वैक्सीनेशन फाइनली हो गया, अभी हम लोग जा रहे घर पे। वैसे तुझे कुछ ये बहुत डर रही थी हाँ पहले वैक्सीन से पहले, बट ठीक है, इतना कुछ नहीं लगा नॉर्मल, तो बोले ठीक है नहीं तू भी चल, मतलब हम लोग दोनों साथ में ही थे तो मास्क पहनना पड़ेगा यार। एक मिनट रुको, ये खटारा ट्रेन है, ये पता नहीं कहाँ पे जाएगी, ये कोई दूसरे स्टेशन पे जाएगी, इसमें नहीं जाना है हमको। थोड़ा सा पेन कर रहा है, वो प्रॉब्ली इंजेक्शन का पेन है, मतलब वैक्सीन का अभी तो बाद में मालूम पड़ेगा। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है, फीवर वगैरह हो सकता है, माइल्ड फीवर या फिर माइल्ड कफ। और क्या क्या बोला उन्होंने? सेकेंड डोज है वो 3 वीक्स बाद बोला ना, तो 3 वीक्स बाद जो है वो सेकेंड डोज भी लेंगे एंड देन गुड,
गुड टू गो, फिर जा सकते हैं फाइनली इंडिया जहाँ पे जाना है। तो इसके बाद हम लोग गए थे लंच करने। प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके आगे के जितने भी वीडियो थे उसमें वॉइस मिसिंग है। अभी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मैंने फिर फोन रिस्टार्ट किया और अभी एडिटिंग करते टाइम मुझे मालूम पड़ा, तो इसलिए ये अभी शूट कर रहा हूँ। दिस इज नेक्स्ट डे। कल वैक्सीनेशन हुआ, कल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवनिंग को जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो शोल्डर इतना पेन कर रहा है अभी, एक्चुअली थोड़ा मतलब नंब अभी है। उन्होंने बोला कि नॉर्मली फर्स्ट डोज के बाद ये होता है, इनफैक्ट सेकंड डोज जब लेंगे वैक्सीन का तभी और भी ज्यादा होगा, बट अभी एक्चुअली बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब ये एरिया बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो आई होप ये ठीक हो जाए, बट वैक्सीन हो गया तो यही होप करते कि जल्द से जल्द सेकंड वैक्सीन हो जाए, फिर फाइनली इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स ओपन हो जाए फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, ताकि हम लोग इंडिया जा सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दैट्स इट, मैं आप लोग को मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ में। यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।